हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज़। क्या आप कनाडा में टीचर्स का जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कनाडा में टीचर्स के जॉब के लिए। कनाडा में टीचर्स का जॉब का काफ़ी डिमांड रहता है। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही कम टीचर्स का काम करते हैं, इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी टीचर्स का डिमांड होता है। लेकिन कनाडा में अगर आपको टीचर्स का काम करना होगा, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आपके लिए वहाँ पर लाइसेंस चाहिए। हर प्रोविंस का एक लाइसेंस होता है, लेकिन ये अगर आपके पास ये अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर भी आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर ईजिली जॉब पा सकते हैं। कनाडा गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अगर जिसके पास लाइसेंस है पहले उसको मौका दिया जाता है, उसके बाद अगर कोई वैकेंसी खाली हुई वहाँ पर तो उसके बाद नन लाइसेंस वालों को ये मौका दिया जाता है। अगर आपके पास टीचर का लाइसेंस नहीं है तो फिर भी आप वहाँ पर जॉब पा सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में हैं या आउट ऑफ इंडिया हैं और कहीं पर आप टीचर का काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं, या प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और आपको कनाडा मूव करना है और आपको अच्छा टीचर का जॉब पाना है, तो आपके लिए कनाडा बेस्ट जगह है। आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है अप्लाई करने से पहले। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको इससे रिक्वायरमेंट और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने आऊँगा। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो कि आपको अगर कनाडा में टीचर का जॉब करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है और उसके लिए क्या है, उसके बारे में मैंने हल्का डिटेल्स बताया है। अगर आपको इसमें ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उसमें सब कुछ मेंशन करूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, ईच एंड एवरी पॉइंट को उसमें डिस्कस करूंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जॉब्स, ट्रैवल और वीज़ा के हर अपडेट के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ।